हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के फेज 2 की ऑनलाइन फॉर्म जो की है, इसके बारे में बात करेंगे। पोस्ट हुआ है इसका, जो डेट है 19 अक्टूबर 2018। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पोस्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड PRPB आर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर द कॉन्स्टेबल इन सिविल पुलिस अदर पोस्ट। दोस्त 10+2 इंटरमीडिएट कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग रिक्रूटमेंट कंप्लीट द ऑल एजुकेशन एंड फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे इसका जो डिटेल्स है इस जॉब के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट जो कि कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो पोस्ट हो रहा है, मेल फीमेल कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पे, इसका जो डेट इशू हुआ है 19 अक्टूबर 2018 में। एप्लीकेशन शुरू होगा 1 नवम्बर 2018। लास्ट डेट यहाँ पे है 30 नवंबर 2018 तक आपका जो लास्ट डेट रहेगा। इसके साथ साथ आप लास्ट डेट जो कि पेमेंट के एग्जाम फीस है, आप लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2018, लास्ट ऑफ कंप्लीट फॉर्म जो कि लास्ट डेट है 30 नवंबर 2018। एग्जाम डेट जो है फोर्थ टू फिफ्थ जनवरी 2018। एडमिट कार्ड अवेलेबल दिसंबर में, आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी वालों के लिए, SC ST के लिए 400 रुपीज़ पे द एग्जाम फ्रू थ्रू द फीस थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आप इसका जो फीस है ऑनलाइन ऑनलाइन में जाके आप अप्लाई भर सकते हैं। जन ध्यान रहे कि जनरल ओबीसी वालों के लिए 400 रुपीज़, SC ST के लिए 400 रुपीज़। तो पोस्ट नेम जो कि है यहाँ पे कांस्टेबल सिविल पुलिस के, टोटल वैकेंसी जो है 32,000, और कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म जो कि इसका वैकेंसी है 19,216। एज लिमिट के बात करते हैं यहाँ पे 18 से 22 ईयर्स तक आपका एज रहेगा फॉर द मेल कैंडिडेट एंड 18 से 25 ईयर्स तक फॉर फीमेल कैंडिडेट। आपको 12th पास जो कि यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th। उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकली एलिजिबिलिटी जो कि है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हाइट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 168 सीमी, फॉर जनरल ओबीसी एससी के लिए मेल जो एसटी है इसके लिए रहेगा 160 सीमी, फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए है 152 सेमी, फीमेल एसटी के लिए है 147 सेमी जो कि यहाँ पे चेस रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि जो लोग जनरल ओबीसी और एससी वाले हैं उसके लिए 79 से 84 सेमी, मेल कैंडिडेट जो कि एसटी है उनके लिए यह यहाँ पे 77 से 82 सेमी जो कि SC ST, और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी और एससी है उसके लिए कोई भी नहीं रहेगा, एसटी भी के लिए भी कोई भी नहीं रहेगा। रनिंग जो कि है यहाँ पे 4.8 किमी इन 25 मिनट फॉर मेल एंड 24 किमी इन 14 मिनट फॉर फीमेल कैंडिडेट। सिलेक्शन जो कि होगा यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद DB एग्जाम जो होगा, उसके बाद PET और PST एग्जाम आपको होगा, उसके बाद आपका जो कि है यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के। जो डेट शुरू होगा 1 नवंबर 2018 से शुरू होगा, तो इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसका जो डिटेल है देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।